जय मसीह की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, उत्पत्ति 1:1। फिर आगे लिखा है, और धरती सुनसान बेडोल थी, गहरे जल पर अंधेरा छाया हुआ था, और परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडराने लगा। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि पहले वचन में ऐसा लिखा है उत्पत्ति 1:1 कि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि धरती सुनसान थी, बेडोल थी, पानी बहुत था, अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? क्या परमेश्वर से धरती सही नहीं बनी, बेडोल बनी परमेश्वर से? क्या उन्होंने शब्द बोला, उस शब्द में वो सामर्थ्य नहीं था क्या? क्या उस शब्द में पराक्रम नहीं था? धरती ऐसी क्यों बनी? उत्पत्ति 1 और उसके दूसरे वचन से लेकर उत्पत्ति का पूरा अध्याय 31 तक आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सही में परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 और 2 से धरती को ठीक ठाक किया है, बनाया नहीं, पहले वचन में बनाया था, लेकिन दूसरे वचन से उस धरती को ठीक करने में लग गए, वो सही नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये धरती सही नहीं थी? ऐसे सारे वचनों के भेद में बढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे भेद वाली बातों को आप जान सको, और साथ में ये भेद जिस वीडियो में रखा है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर इस सवाल की सच्चाई को जानना और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।